सरल भारत न्यूज़, भारत का अपना चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं सरल भारत न्यूज़ से अदिति आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मूवीज के अननोन फैक्ट्स में। आज मैं आपको एक ऐसी मूवी के अननोन फैक्ट्स के बारे में बताऊंगी जो बॉबी देओल के करियर के बेस्ट मूवीज में से एक है। उस मूवी से बॉबी देओल के करियर को अलग ही पहचान मिली थी और साथ ही साथ प्रीति जिंटा ने भी बहुत अच्छा काम किया था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सोल्जर मूवी के बारे में जो ईयर 1998 में आई थी। ये एक एक्शन थ्रिलर ड्रामा एंड म्यूजिकल फिल्म थी। इस फिल्म में बॉबी देओल, प्रीति जिंटा, सुरेश ओबेरॉय, फरीदा जलाल, राखी और भी स्टार्स थे। ये फिल्म डायरेक्ट की थी अब्बास मुस्तान जी ने, म्यूजिक दिया था अनु मलिक जी ने और गाने लिखे थे समीर अंजान जी ने। आइए जानते हैं इस मूवी से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट 1, ये फिल्म प्रीति जिंटा की डेब्यूट फिल्म होने वाली थी, लेकिन इस फिल्म से पहले दिल से मूवी रिलीज हो गई थी, इसलिए उनकी पहली मूवी दिल से बन गई। फैक्ट 2, ये फिल्म बॉबी देओल की अब्बास मुस्तान जी के साथ पहली फिल्म थी। इसके बाद बॉबी देओल ने अब्बास मुस्तान जी के साथ अजनबी, हमराज, नकाब एंड प्लेयर्स में काम किया था। फैक्ट 3, बाजीगर फिल्म के बाद राखी जी ने दूसरी बार अब्बास मुस्तान जी की फिल्म में भी विधवा माँ का रोल निभाया था। फैक्ट 4, इस फिल्म में पहली बार एक्टर सुरेश ओबेरॉय अलग लुक में नजर आए थे। इस फिल्म के लिए उन्होंने अपनी मूछें हटा दी थी। फैक्ट 5, इस फिल्म में पहले अमरीश पुरी जी और गुलशन ग्रोवर जी होने वाले थे, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से वो इस फिल्म से हट गए थे। फैक्ट 6, इस फिल्म के 2 हफ्ते के बाद हॉलीवुड के सोल्जर फिल्म रिलीज हुई थी। फैक्ट 7, इस फिल्म का तमिल और बंगाली में भी रिमेक बनाया गया था। फैक्ट 8, वन ऑफ द सीन्स में जहां पर एक्टर दिलीप ताहिल बॉबी देओल को एक सीक्रेट पैसेज से ले जाते हुए दिखाया गया है, असल में वो सिडनी का पॉपुलर अंडरवाटर एक्वेरियम है। फैक्ट 9, ये फिल्म रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड थी। फैक्ट 10, इस फिल्म के लिए प्रीति जिंटा को फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यूट के लिए मिला था। तो मिलते हैं अगले हफ्ते फिर से एक और मूवी के अननोन फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सरल भारत न्यूज़। धन्यवाद।